de Broglie wavelength of electron. de Broglie wavelength निकालते हैं कि electron is accelerated through a certain potential difference. तो उसकी de Broglie wavelength क्या होगी? उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है जो आपको रटना पड़ेगा नॉर्मलिटीज के लिए. So you can write, consider an electron. Sir, एक बार heading repeat कर दो please. de Broglie wavelength of electron. Consider an electron of mass m and charge e electron higher से lower potential जाता है, lower से higher अपने आप, lower से higher, lower से higher. So as electron moves from lower to the higher potential, as electron moves from lower to the higher potential through a potential difference of V volt, through a potential difference of V volt, potential energy बढ़ेगी, कम हो जाएगी, अपने आप जा रहा है, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी. Through a potential difference of V volt, the decrease in electrostatic potential energy, decrease in electrostatic potential energy will be equal to increase in kinetic energy, will be equal to the increase in kinetic energy, that is कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म है? नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज. h तो फिक्स्ड ही है, masses and charges. Sir, अगर हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. हाँ जी सर, एक बार स्क्रीन ब्रॉडकास्ट कर दो, थोड़ा बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा था. आज तो मैंने ना सामने लगाया हुआ, बिल्कुल क्लियर आ रहा है. मैंने खुद एज स्टूडेंट एनरोल किया हुआ बैच में. एक देखो बीच में HP नाम लिखा आ रहा है, वो मेरा ही कंप्यूटर है बस, ताकि मेरे को पता चलता रहे. कर देता हूँ मैं ब्रॉडकास्ट, बट अगर मैं आपको अपने कंप्यूटर पे दिखाऊं जो एज अ स्टूडेंट लॉग इन किया हुआ है, उस पर बिल्कुल क्लियर आ रही है फोटो. तो पहले क्लियर होता था, नहीं आजकल प्रॉब्लम आ रही है. हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा, आंसर था थोड़ा प्रीवियस लेक्चर से. एक चीज प्रीवियस लेक्चर वाला आज से रिलेटेड है तो अभी पूछो, नहीं तो एंड में पूछना. नहीं सर, आज से रिलेटेड बाद में पूछ लेंगे. सेवन फोर सिक्स फाइव एट फोर. आपको इस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रिजल्ट याद रखना। और ये जो आंसर आएगा ये एंगस्ट्रॉम में आएगा 12.27/√v 12.27/√v। उसमें सर हाँ जी सर प्लीज एक बार कोड बता दो। कोड क्या था? 7 7 4 6 5 8 4। So you can write a numerical. सर मैं थोड़ा सा zoom out कर देख, वह ऊपर का थोड़ा सा देखना था। सर एक बार थोड़ा सा नीचे कर दो प्लीज। आपने केमिस्ट्री में बोहर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल पढ़ा था? बोहर की जो आपने कंडीशन ड्राइव की थी mvr = nh/2π, वो कैसे की थी? क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये कैसे निकाला था फॉर्मूला? 2πr = n λ। 2πr = n λ उसी को ही बोलते हैं ना बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, बिकॉज वो कई बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूज हो जाते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। So you can write a numerical. न्यूमेरिकल भी नहीं होते इसके, सॉर्ट ऑफ कंसेप्चुअल की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। Electron and photon have same de Broglie wavelength, which has greater total energy. Which has greater total energy? Which has greater total energy? Electron और photon की de Broglie wavelength same है। हमने बताना है total energy ज़्यादा किसकी है। फोटॉन। प्रूफ करके दिखाना। फोटॉन का मास कम है इसलिए एनर्जी ज्यादा है। फोटॉन का मास तो 0 है। यस सर। तो एनर्जी किसकी ज्यादा फिर? फोटॉन की। फोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसे थोड़ी निकालते हैं, फोटॉन तो मासलेस पार्टिकल है, उसमें h/mv थोड़ी लगाओगे। फोटॉन की एनर्जी यही होगी। यस फॉर इलेक्ट्रॉन m इज h/λ भी ठीक है। यहाँ तक ठीक है। यस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अगर मैं E2 बाई E1 की वैल्यू लूं किसकी एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन एनर्जी ऑफ फोटॉन अगर लैम्डा सेम है तो। बिकॉज रेशियो सी बाय वी आ रही है। अच्छा, इसी में अगर मैं पूछ लूं कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है? अगर दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी फोटॉन की ज्यादा आएगी। कर सकते हो प्रूफ? लिखो ये क्वेश्चन, फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 10⁻¹⁻ मीटर, which has greater kinetic energy. So 10⁻¹⁻ meter, which has greater kinetic energy. फोटॉन का तो बहुत सिंपल फंडा होता है, फोटॉन की एनर्जी, लाइट चलेगी बोर्ड बंद हो जाएगा थोड़ी देर में अगर नहीं आई तो। अगर चला गया तो कल एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे फिर, अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ, मैं 15 मिनट में क्लास शुरू हुए। This is p² by 2m. And p² can be written h² by 2 lambda square. ये तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो अगर मैं E2 by E1 करूं अब, अगर बंद हो गया तो कल कंटिन्यू करेंगे बिकॉज मेरे पास आईपैड नहीं है, वो ऑफिस पड़ा है, मेरे है नहीं करते मेरे पास अभी आईपैड। क्या वैल्यू आएगी? H gets cancelled, एक लैम्डा कैंसल आ गई। वैल्यू देखो क्या आती है सॉल्व करके, दिस इज 2c λm/h। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं -41.8 देखना सॉल्व करके क्या होती है वैल्यू। सिक्स इंटू 9.1 बाय 6.6 चेक कर लेना बुक में, यह आंसर है 90/1.1। Kinetic energy of photon is more than kinetic energy of electron. क्लियर है सबको? Can write two identical non-relativistic particles move at right angle to each other and possessing de Broglie wavelength lambda 1 and lambda 2. Find the de Broglie wavelength of move right angle to each other possessing de Broglie wavelength lambda 1 and lambda 2. Find de Broglie wavelength of both the particles अगर मैं सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देता तो क्या होता आंसर? सर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या था? Two identical non-relativistic particles move at right angles to each other, possessing de Broglie wavelength lambda 1 and lambda 2. Find de Broglie wavelength of both particles in centroidal frame. Find de Broglie wavelength of both the particles in centroidal frame. Question समझ आ गया? Centroidal में the center of mass. सेंटर ऑफ मास +1 में हमने किया यूज सेंट्रोइडल फ्रेम काफी, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ क्या होगी? अगर नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम में लैम्डा 1 लैम्डा 2 है तो सेंट्रोइडल फ्रेम में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डी ब्रॉगली वेवलेंथ। करो सॉल्व, टेक 2-3 मिनट्स, नहीं तो मैं बताता हूँ। कुछ भी ले लेते हैं। दे आर मूविंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर से ये दी। यहाँ तक ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस। आंसर 2λ1λ2/λ2 - λ1 है। 2λ1λ2/λ2 - λ1। नहीं, आपका फॉर्मूला देखो कुछ गड़बड़ कर दे आप। एक और ट्राई करो। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नहीं, यही नहीं आ रही। So 2λ1/λ2 over √(λ1² + λ2²). सेकेंड भी यही आएगी, सेंट्रोइडल फ्रेम में दोनों की सेम ही आएगी बिकॉज दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो आ रहा है समझ कैसे किया, पहले वेलोसिटी निकाल ली, फिर फॉर्मूला लगा दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी। सिर्फ आपको वेलोसिटी निकालनी थी सेंट्रोइडल फ्रेम में कितनी होगी। Next to right. A small metal plate of work function. A small metal plate of work function phi. And it is kept at a distance, and it is kept at a distance d from a singly ionized fixed ion. Sir, from a singly की बात क्या बोला ना? Fixed distance d from a singly ionized fixed ion. A monochromatic light beam is incident on. A monochromatic light beam is incident on metal plate, and photoelectrons are emitted. Find the maximum wavelength of light beam so that some of the photoelectrons may go around the ion along a circle. क्वेश्चन समझ में आया। हमारे पास एक मेटल प्लेट है, उससे डिस्टेंस d पे एक आयन पड़ा है, सिंगली आयनाइज फिक्स्ड आयन है। Monochromatic light is incident. You have to tell what should be the maximum wavelength so that some of the photoelectrons may go around it. Maximum wavelength मतलब minimum energy कितनी चाहिए? जैसे wavelength maximum होगी तो energy minimum हो जाएगी। Minimum energy so that some of the photoelectrons go around the ion. लैम्डा बताना। कैसे करें? तो हमें आयन के बारे में क्या डेटा दिया है? हमें दिया सिंगली आयोनाइज्ड फिक्स्ड आयन। उसका चार्ज नहीं दिया। मैं अब आपको क्या बोलूं, सिंगली आयोनाइज्ड है तो चार्ज मैं बताऊंगा कितना है? नो सर, सिंगली आयोनाइज्ड लिखा तो है। ऐसे बेकार के क्वेश्चन नहीं पूछने जो बिल्कुल बेसिक हैं। सर लैम्डा की वैल्यू hc फिर बाय k² / 2d प्लस phi है। के टर्म्स में निकाला आपने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में निकाला। वो k को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पुट नहीं किया। पुट कर दो कि मेरे पास, क्योंकि आंसर थोड़ा उस फॉर्म में है तभी मेरे को पता चलेगा। k की वैल्यू पुट कर दो। hc/e² / 8πε0d प्लस phi, phi भी डिनोमिनेटर में ही है। डिफरेंट लग रहा है शायद, बस मैं करता हूँ, आप देखना सेम है या डिफरेंट है। मेरा तो ये आ रहा आंसर। समय बस एलसीएम नहीं लिया था, सेम बाकी है। हाँ तो आंसर तो गलत हो गया ना अनमोल, ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं सर मतलब जैसे मैंने एलसीएम के बिना वो सैंपल फॉर्म में लिखा हुआ था, मतलब एलसीएम लिखकर सेम आ रहा आंसर ही है आपका। यस ठीक है, बिकॉज़ मैंने इसीलिए कहा था कि मैं करता हूँ ऐसे, पता नहीं चल रहा। ऊपर करना थोड़ा पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट कर दिया एंड फिर आइंस्टाइन की इक्वेशन लगा दी। Next to right. In photoelectric setup, radiations from Balmer series of hydrogen atom, are incident on radiations from Balmer series of hydrogen atom are incident on metal surface of work function 2 electron volt. The wavelength of incident radiations lies between 450 nanometer to 700 nanometer. Find the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted. Find the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted. solve. My dear, the radiations are coming from Balmer series of hydrogen. Balmer is outer to second. So when transition takes place from outer to second orbit, then it's a Balmer series. So Balmer series की radiation से photo emission करानी है, but हमें दिया है कि इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ 450 से 700 नैनोमीटर के बीच में है. अपने रीजन्स पढ़े थे, लाइमन सीरीज इज यूवी और विजिबल और अल्ट्रा इंफ्रारेड. यूवी यूवी बाल्मर इज विजिबल विजिबल. तो हमें बाल्मर रीजन ही दिया, इसीलिए वेवलेंथ भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग दिया कि 450 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ सबमिट हो रही है, तो उसके बीच में. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. कैसे करें? -19 जूल. 1.2 × 10⁻¹⁹ जूल. इतना चेक करना पड़ेगा बिकॉज बुक में आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया. वन कितना बताया? 1.2 × 10⁻¹⁹. गलत है. Balmer is outer to n = 2. हमारे पास फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अगर निकालनी है तो कैसे निकलेगी? एनर्जी इज ऑल्सो गिवन बाय ये फॉर्मूला. जूल्स में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है. अगर ये वैल्यू लूं सिर्फ जूल तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला ये वाला भी. दिस इंप्लाइज दैट ये शॉर्टकट याद है ना, केमिस्ट्री में भी यूज करते होगे. अगर मैं लैम्डा को नैनोमीटर में रखूंगा तो फिर ये शॉर्टकट ही होता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी होती है 1 to 4 to 12 lambda। अब हमें दिया था बाल्मर सीरीज, n की वैल्यू क्या हो सकती है? इस फॉर्मूला में n क्या था? आउटर, बिकॉज आउटर टू सेकेंड, तो n कैन बी 3, 4, 5, 6। अगर मैं n को 3 लेता हूं तो लैम्डा क्या आएगा? ये बाकी सारी कैलकुलेशन एक बार ही करके देख लो ये क्या आती है n को छोड़ के, बस हर बार ये कैलकुलेशन चाहिए होगी। 9 minus 4, 4n squared। देखने वैल्यू कितनी आई? 657.53 657.53 नैनोमीटर। ये वाले भी देख लो। ये फिर नेक्स्ट वाली मेरे ख्याल से 450 से बाहर चली जाएगी। अब हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए दोनों में से कौन सी वेवलेंथ यूज करें? लैम्डा 2। लैम्डा 2, बिकॉज़ स्मॉलर वेवलेंथ मींस लार्जर एनर्जी। लेकिन लैम्डा 3 तो और भी छोटा होगा, वो 450 से बाहर आ जाएगा ना। हमें क्या वेवलेंथ 450 से 700 के बीच में ही है। तो 450 से कम आ रही होगी वैल्यू। 434, यस। ये देख लो क्या आता आंसर। बुक में आंसर 0.55 दिया, चेक कर लो आ रहा है या नहीं। So, इसलिए आपको लैम्डा निकाल के देखना था बाल्मर सीरीज के लिए। ये मिनिमम एनर्जी है, मतलब हमें चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो इसी के लिए आएगी बिकॉज इसकी वैल्यू फिर 450 से भी कम हो गई। So, दोनों में से जो स्मॉलर वेवलेंथ है उसको यूज करना था। क्लियर है कैसे किया? आंसर 2.5 था। आंसर 0.55। 2.55 minus 2। सर एक बार ये वाला कंसेप्ट बता दो कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब वेवलेंथ मिनिमम होती है तभी मैक्सिमम होती है ना एनर्जी, बिकॉज दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो दोनों में से लैम्डा 2 कम है, मतलब लैम्डा 2 की एनर्जी ज्यादा है। लैम्डा 2 की एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आएगी। लैम्डा 2 की एनर्जी ज्यादा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आएगी। ठीक है सर, समझ आ गया। सर नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। सर हाँ जी सर, इस चैप्टर की कोई वर्कशीट वगैरह डाल देना है आपके। इस चैप्टर की वर्कशीट अभी दी नहीं कोई भी। वैसे अभी तो किया भी क्या, फोटो इलेक्ट्रिक के डाल दूंगा मैं। और जो कल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भेजी थी वो बोर्ड के लिए है फर्स्ट टर्म की, चलो इसको करके देख लेना एक बार। सर जब सिलेबस हो जाएगा तो आपको एमसीक्यू का टेस्ट भी कंडक्ट कर लेना, मतलब बोर्ड के लिए स्पेसिफिक टर्म 1 बोर्ड के लिए कर लेंगे। बोर्ड अभी पैटर्न ही नहीं बता रहा, किसी को पैटर्न बता दे तो थोड़ा सा हमारा काम भी आसान हो जाता है कि कैसे टेस्ट बनाएं, बिकॉज़ फिर वो टाइपिस्ट भी टाइम लेते हैं टेस्ट टाइप करने में। अभी तक बोर्ड पैटर्न ही नहीं अनाउंस कर पा रहा। बिकॉज़ जो सीन अभी तक चल रहा है लग तो रहा है कि आपका सेकंड भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, सेकंड टर्म भी, बिकॉज़ स्कूल खुले हैं जहाँ पे भी अभी तक खुले थे वो ऑलमोस्ट फिर बंद ही होने शुरू हो गए हैं। जिस जिस स्टेट में खुल रहे हैं साथ ही बंद होने शुरू हो गए हैं। बिकॉज़ गवर्नमेंट ने पंजाब में भी ऐसी कंडीशंस ही लगाई हैं कि अगर क्लास सेक्शन में कोई बच्चा पॉजिटिव आता है तो वो सेक्शन 14 दिन के लिए ऑफ रहेगा। अगर 2 या 3 बच्चे आते हैं तो स्कूल 14 दिन के लिए ऑफ रहेगा। तो खोल ही क्यों रहे हो?